हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी कटोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 9 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके आंसर की देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। एग्जामिनेशन की कूट संख्या दी गई थी 125 और हार्डवर्क के पूछे गए थे। तो सिंपल इसमें ऐड करके लिखा गया था, जिस भी पोजिशन पर ये आते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर 98 हो जाएगा। ठीक है, आगे x का मान ज्ञात करना था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। देन एक्विजिशन ऑफ लैंड पूछा था कि ये हरियाणा पंचायती राज एक्ट में जो है किस सेक्शन के अंडर आता है, तो ये धारा 254 सही होगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है, वेयर इज द एंशियंट गुम्बद मोनूमेंट सिचुएटेड इन हरियाणा। प्राचीन गुम्बद बताना था कि हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है, भिवानी या कैथल में से कोई हो सकता है। वैसे हिसार ही था, प्राचीन गुम्बद स्मारक जब हम देखते तो हिसार ही है, बट इसमें अभी डाउट है, पता नहीं। ओके, चलिए अगला देखिए। यदि एक संख्या की एक चौथाई की एक तिहाई 15 है, तो उस संख्या का जो है 3/10 पूछा गया था, तो राइट आंसर 54 हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और उन्हें हटाता कौन है, राष्ट्रपति के पास होती है वो। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। समरूपता बतानी थी, थर्मामीटर डिग्री तो घड़ी क्या हो जाएगी, घंटा हो जाएगी। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे सी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, तो 31 मई 1966 को किया था। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, धर्मवीर। वर्तमान में अरुण और दीपक, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 15 ईयर्स होगा। कौन सा धार्मिक अनुच्छेद भाषी और प्रदेशीय प्रांतीय विविधता से पूरे भारत के सभी लोगों में जो है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 51A। करो चोटी ये पंचकुला में है। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस अनुशंसा पर हुआ था, सरदार ऊधम सिंह की समिति पर। तांगनिका झील ये अफ्रीका में है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत में के हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी कौन सी है, साइना नेहवाल। ओके, आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया था। टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल बताए थे। टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मे बी कल आपसे पूछ लिया जाए, तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है, और कनेक्शन लेस और अनरिलायबल यूडीपी होता है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ, दूसरी बार 1977 में। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो पंचकुला है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी, तो मंडल पंचायत की। यदि एक्स वाई ऋणात्मक है तो कथन सत्य पूछा था, जो हमेशा सत्य होगा, तो जब एक्स वाई मतलब एक्स वाई होगा तब पॉजिटिव आंसर हमें मिलेगा, तो केवल सेकंड सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, कार्यपालक अधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, अध्यक्ष के। बाण भट्ट की रचना बतानी थी इसमें से, तो हर्षचरित हो जाएगी। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी साझा नहीं करता है सीमा, ओके साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा ना। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। एक बाइट का जो आधा भाग है उसको निबल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी, तो ली कार्बूजियर ने। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 अध्याय के दौरान पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग, तो देखिए चारों ही समिति हैं, तो इसमें डाउट है क्योंकि चारों ही जो है उस के अंडर आती हैं अध्याय 10 के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा जो है नहीं है। ओके, तो देखिए एक नियम जिससे संबंधित किस प्रकार के आंकड़े एक्सेल में प्रविष्ट किए जाते हैं, तो ये डाटा वैलिडेशन रूल होता है, एमएस ऑफिस में एक्सेल में आता है ये। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 ये रिलेटेड है मतदाताओं की सूची तैयार करने से। इसमें जो थे 3 शब्द दिए थे, मक्खी मधुमक्खी चींटी, तो इनके लिए उपयुक्त विवरण क्या हो जाएगा, क्या है ये, इंसेक्ट है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है, तो ये कौन सी में है, सेक्शन 220 में, धारा 220 में। नागफणी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा जो है ये हरियाणा के यमुनानगर में है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया, तो ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में है।
हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात हो जाएगा। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ओटू बैराज जो है ये गग्गर अकरा नदी पर है, जो अन्य तीन से भिन्न बतानी थी, तो 59 बाकी जो है 12 की मल्टीपल्स हैं, 59 नहीं है। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी को बनाया गया। विग्रह राज 4 के 3 शिलालेख ये किस स्तंभ में है, तो टोपरा स्तंभ में है। बूंड स्टैगोर बूंडे स्नैट ये विधायिका के 2 सदन जर्मनी में है। कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है, तो रेवाड़ी नहीं है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना शेख फरीद ने की। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या के कौन सा नियम है, ये एवोगैड्रो का नियम है। कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, तो ग्राम पंचायत। नगर निगम हरियाणा में 10 है। मैथ्स का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था जो हमने पढ़ भी लिया था, तो 112.50। ओके, यहाँ पे इसका कोड बताना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना पूछी थी, तो ये संत गरीबदास जी की है। बेनिफिशियल के वर्ड्स को अदल बदल कर पूछा गया, तो राइट आंसर इसमें एन रहेगा। कुल क्षेत्रफल 44212। आईआईएम की स्थापना 2009 में हुई थी। आगे डी ब्रोगली की एक इक्वेशन दी गई थी, ओके डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई थी उसकी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.5 नैनोमीटर होगा, ठीक है। ओह सॉरी नहीं 0.5 नहीं 0.112 नैनोमीटर, क्योंकि अगर हम एंगस्ट्रोम में पूछेंगे तो 1.13 एंगस्ट्रोम होगा, बट यहाँ पे ये नैनोमीटर में 0.112 या 113 समथिंग कुछ ऐसा। ओके, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण समूह का भाग नहीं है, तो यूएस नहीं है, भारत जापान इंडोनेशिया तीनों है। डोस क्या है, डिसकोऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। HRDFA क्या है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। नूतन के अक्षरों को जो है दाएं से पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षर समान स्थिति में होंगे, तो कोई नहीं आएगा। ओके, द डिवाइस दैट होल्ड ए डिस्क, कौन सी डिवाइस है जो होल्ड करती है डिस्क को, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इसको सोल्व करना था, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 रहेगा। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों संप्रेषण निर्माण ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है, तो ये काम होता है जनरल कमेटी का, सामान्य समिति का। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील जो थी ये राजा सूरजपाल ने बनवाई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है, सीक्रेट बैलेट। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग 272 होता है। ओके, यहाँ पे जो टर्म आनी थी वो 50 हो जाएगी। एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6400 न्यूटन के आसपास होता है, तो डी। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है, इसे एक तारा कहा जाता है। मानव ज्ञान की प्रकृति उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिलका को जोड़ता है, तो NH10 हो जाएगा। कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो कादंबरी नहीं है, बाकी तीन उसी की रचनाएं हैं। एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन को विभिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में जो उपयोगी है वो है कंकैटिनेट, ठीक है। और इसमें बताना था जो सबसे दूरी जो सबसे कम होगी तो वो O2-2- की होगी। 24, 36 और इनका एलसीएम ज्ञात करना था, तो राइट आंसर यहाँ पे 360 हो जाएगा। आगे देखिए, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, क्या बोलेंगे उसको, एंटीडोट बोला जाएगा। डू नॉट रेज योर वॉइस, एन इंडस्ट्रियस मैन फर्स्ट ऑप्शन, ही सॉ द बीविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस, तो इसका सिनोनिम बताना था, तो बेफल्ड हो जाएगा। ही इज गोइंग एवरी डे आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपल में रहेगा, तो ही इज गोइंग एवरी डे में जो है एरर हो जाएगी। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन, कैपिटल रेक्टिट्यूड का बताना था, तो डिसाइटफुलनेस जो है इसका सिनोनिम होगा। देश विदेश जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। पद्मावत एक समास उक्ति काव्य है, ये किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया, तो जो बनारस और वाराणसी के जो क्षेत्र में बोली जाती है उसको कहा गया कशिका। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। वाक्य में 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो 2 हो गया। निम्न से में से जीवनी बतानी थी कौन सी है, तो स्मृति के जरोके से जो है जीवनी है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है, रामकुमार वर्मा है। सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। ओके, तो ये थे 90 क्वेश्चन, मे भी एक दो पे मैंने बताया जैसे कि डाउट है, अदरवाइज बाकी जो है करेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।